हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। आज दिनांक 14 दिन बुधवार की ब्रेकिंग न्यूज, वही हिंदी महीना कुमार एवं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, किसानों के लिए बड़े काम की खबर है। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जी ने शिवराज सरकार से किसान कर्ज माफी की मांग की है। तो चलिए सुनते हैं पूर्व कृषि मंत्री को लाइव। निश्चित रूप से लागू होना चाहिए। क्या कारण है कि हम बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऋण माफ किए जाते हैं, 10 लाख करोड़ से अधिक के जो है टाटा अडानी अंबानी के ऋण माफ होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऋण माफ होते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब किसान की बात आती है, किसान के ऋण माफी करने की बात आती है, तो इनको पेट में दर्द होने लगता है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच मेरे अन्नदाता के प्रति और मेरे किसान के प्रति क्या है। किसान कर्ज माफी को लेकर शिवराज सरकार अब चिंता में पड़ गई है, क्योंकि आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। यदि किसानों के बारे में कुछ बड़ा नहीं सोचा जाएगा तो सरकार को दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने किसानों के हित में सरकार के खिलाफ बड़ा हल्ला बोल किया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र 13 सितंबर से चालू हो गया है। मानसून सत्र के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर लहसुन की बोरियों के साथ कांग्रेस और उनके विधायकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि किसानों को लहसुन सहित अन्य उपज के उचित दाम दिलाए जाएं, ताकि किसान अपनी फसलों को नदी नालों में न फेंकें। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है और इस सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 13 सितंबर से शुरू हुए मानसून सत्र में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहला अनुपूरक बजट सरकार द्वारा 15 सितंबर को पेश किया जाएगा। यह बजट 2500 करोड़ रुपये से अधिक का होगा। दोस्तों, बालाघाट जिले में 2 दिन की वर्षा से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बालाघाट जिले में लगातार 2 दिनों तक हुई वर्षा से नदी नालों और छोटी नदियों के पुल पर बाढ़ आ गई है, जिससे लोगों का आना जाना बंद हो गया है। लगातार हुई वर्षा की वजह से गढ़ी समेत अन्य गांवों की नदी नाले उफान पर हैं। इससे गढ़ी क्षेत्र के 10 गाँवों का संपर्क गढ़ी से टूट गया है। इस प्रकार प्रदेश के अधिकांश जिलों में ऐसी स्थिति बनी हुई है और प्रदेश में बारिश की स्थिति अगले 2 दिनों तक और चलेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में नवरात्र आने वाली है और यह शक्ति की आराधना का पर्व है। यदि मूर्ति पूजा में मुस्लिमों की आस्था है तो उनका स्वागत है। कुरान या धर्मशास्त्र उन्हें अनुमति देते हैं तो वे गरबा मंडल में जरूर आएँ। उन्होंने कहा कि केवल वे मनोरंजन के लिए न आएँ, माँ बहन बेटी या पत्नी को लेकर भी आएँ। इसके लिए उन्होंने सभी कलेक्टरों को आदेश दिया है कि बिना पहचान पत्र किसी को भी गरबा में प्रवेश न दिया जाए। इस प्रकार पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी नवरात्र पर्व को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं और गरबा में प्रवेश को लेकर उन्होंने आधार चेकिंग की बात भी कही है, जो कि होना भी चाहिए, राइट? दोस्तों, प्रदेश का हर किसान चाहता है कि कर्ज माफी हो। कर्ज माफी के इंतजार में हर तीसरा किसान हो गया है अभी तक डिफाल्टर। कांग्रेस सरकार द्वारा की गई किसान कर्ज माफी मौजूदा भाजपा सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है, क्योंकि कर्ज माफी में अपनी बारी का इंतजार कर रहे किसान लगातार कर्ज से डिफाल्टर हो रहे हैं, अर्थात कर्ज माफी के इंतजार में वे कर्ज नहीं पटा रहे हैं। प्रदेश में अभी ऐसे किसानों की संख्या बढ़कर लगभग 33 लाख तक पहुंच गई है जिन्होंने कर्ज नहीं पटाया है, जो जुलाई 2020 में करीब 23 लाख थी, लेकिन 2022 तक इनकी संख्या 10 लाख और बढ़ गई है। यानी 26 माह में सालाना 5 लाख बैंक खाते डिफाल्टर हो गए हैं। बैंकों के अनुसार प्रदेश के 1 करोड़ किसानों ने अभी तक कर्ज लिया है। इस हिसाब से माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अब हर तीसरा किसान बैंक का डिफाल्टर है। इस प्रकार डिफाल्टर की राशि अर्थात एनपीए की राशि 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और इस राशि का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए भाजपा सरकार डिफाल्टर हुए किसानों के बैंक खाते नियमित करने के लिए उपाय ढूंढ रही है। इसे लेकर बैंक, वित्त विभाग और कृषि विभाग के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि राहत उपायों के द्वारा सरकार किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से कुछ राशि सीधे डालना चाहती है, ताकि उनके खाते रेगुलर हो सके। सूत्रों का कहना है कि सरकार शुरू हुए विधानसभा सत्र के बाद कर्ज माफी से जुड़ी कोई राहत योजना ला सकती है। वहीं किसानों का कहना है कि कर्ज माफी जैसी योजना नहीं, कर्ज माफी ही होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार में जो कर्ज माफी हुई थी उसके पहले चरण में 6,000 करोड़ रुपए 21 लाख किसानों के माफ हुए थे। वहीं 1 मार्च 2020 को शुरू हुए दूसरे चरण में 7 लाख किसानों के 4,500 करोड़ रुपए के कर्ज माफ हुए थे।
उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई, तब फिर कर्ज माफी जैसी की वैसी रह गई। अब मानसून सत्र के दौरान चाहे वो किसान हो या फिर विपक्ष हो, सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं। सरकार ऐसी स्थिति में मजबूर हो गई है कि किसानों के लिए क्या करें, क्योंकि बैंकें भी कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान डिफाल्टर हो गए हैं। अब किसानों के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि किसानों को राहत मिले और विधानसभा चुनाव में भी सरकार को जीत हासिल हो सके। दोस्तों, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में अब 10 नई ट्रेनें और चलेगी। सरकार ने किया है इसके लिए बड़ा ऐलान। यदि आप 58 वर्ष से ज़्यादा के हैं तो ज़रूर इस तीर्थ योजना का लाभ लें। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन आप निकटतम तहसील, स्थानीय निकाय या जनपद कार्यालय में कर सकते हैं। वहीं यात्रियों का चयन संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। यात्रा के दौरान यात्रियों को भोजन, नाश्ता, चाय, रुकने की व्यवस्था, तीर्थ दर्शन तक बस से जाने की व्यवस्था, वापस ट्रेन में आने की व्यवस्था एवं गाइड की व्यवस्था इंडियन रेलवे करवाएगा। यदि आप इच्छुक हैं तो ज़रूर अपने नज़दीकी तहसील में जाकर के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, प्रदेश में 15 सितंबर को 1128 करोड़ रुपए की सड़कों का शिलान्यास एवं लोकार्पण होगा। ग्वालियर अंचल की 1128 करोड़ की लागत से बनने वाली 222 किलोमीटर लंबी 7 प्रमुख सड़कों का शिलान्यास एवं लोकार्पण 15 सितंबर को होने जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, CM शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। दोस्तों, इसके लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने क्षेत्र की जनता को, ग्वालियर की जनता को पीले चावल बांटे हैं और उनको कार्यक्रम में आने का न्योता भी दिया है। यदि आप ग्वालियर जिले से हैं या फिर आसपास के हैं तो जरूर इस कार्यक्रम में शामिल हों 15 सितंबर को, राइट? दोस्तों, नीमच जिले से खबर है। नीमच जिले में न रोड बनी है न पुलिया बना है। इस पर बार बार शिकायत कर बेबस हो गए लोग और युवाओं ने जल सत्याग्रह का फैसला लिया। नीमच जिले की मनासा तहसील के गांव मालाहेड़ा से कुड़ी खंबा तक न रोड है न पुलिया है, जिससे ग्रामीणों को बरसात में भारी परेशानी होती है। इस पर मनासा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीणों ने पुलिया और रोड की मांग को लेकर सुबह नदी के पानी में उतरकर जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कई संबंधित अधिकारियों व स्थानीय विधायक तक को इस बात के लिए अवगत कराया है, लेकिन समस्या का हल अभी तक नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमें लिखित या मौखिक आकर कोई अधिकारी बात नहीं करता, तब तक हम जल सत्याग्रह जारी रखेंगे। दोस्तों, प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज के तहत अब राज्य सरकार देगी यह बड़ी सुविधा। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। दोस्तों, प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को एक बार फिर से राज्य सरकार बड़ी सुविधा देने जा रही है। सुविधा के तहत अब कर्मचारियों को च्वाइस फिलिंग की सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारी स्वयं चुनाव करेंगे कि उन्हें अपनी राशि कहां लगानी है। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। नई सुविधा के तहत कर्मचारी अपनी राशि को SBI, LIC, UBI और HDFC तथा ICICI में से किसी एक बैंक में लगा सकते हैं। कर्मचारियों को अपनी राशि लगाने के लिए सरकार ने च्वाइस फिलिंग दी है, अर्थात कर्मचारी अपने हिसाब से किसी भी बैंक में राशि लगा सकते हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो इसी प्रकार की खबरों के साथ मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।